अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी बेटे। कल हम लोगों ने बेटा एक्सरसाइज 1.3 लिमिट्स और एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर बात की थी। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का हमने पहला क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 3 पार्ट किए थे। आज बेटा हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे लिमिट्स का। हम क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट बेटा आज करने जा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स क्यूब माइनस 3x के प्लस 3x माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स। अगर बेटा गौर करें, इसके अंदर आप लिमिट पुट करें तो आपको पता है कि ये आंसर क्या आएगा, 0/0 की फॉर्म में बनेगा। ये आंसर किसकी फॉर्म में बनेगा? 0/0 की फॉर्म में बनेगा। ले जी, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स क्यूब माइनस 3x के प्लस 3x माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, बेटा हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है ए माइनस बी का क्यूब, ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ओके हो गया। अब इधर क्या करूंगा पुत्र, ए की जगह बेटे एक्स, बी की जगह बेटे माइनस 1। जब पुट किया क्या आया पुत्र, एक्स माइनस 1 का क्यूब एक्स का क्यूब माइनस 3 एक्स का स्क्वायर, ठीक है, बी की जगह 1, फिर आ जाएगा 1 प्लस 3 1 एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब, एक्स माइनस 1 का होल क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर। बी यहां 1 आना था, यहां एक्स आना था, एक्स क्यूब। ओके हो गया। यहां से क्या आएगा, सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स माइनस 1 का होल क्यूब ओवर, नीचे वाले से बेटा एक्स कॉमन लिया, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, डन हो गया ये। अब यहां से क्या आएगा, इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। आपका जो फैक्टर आपको अनडिफाइंड कर रहा था वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स इंटू एक्स प्लस 1। बेटा लिमिट पुट की 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 यहां से आ गया 0 का स्क्वायर 2, 0 ओवर 2 0। लो बेटा ये इसका आंसर आ गया, 4th पार्ट। ओके हो गया जी। नहीं जी इसका इसको देख लीजिएगा, ध्यान से कर लें, सॉल्व करें, आप देख लीजिएगा। ले जी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th पार्ट करने जा रहा हूं बेटा। फिफ्थ पार्ट लिमिट
x approaches to minus 1, x cube plus x square over x square minus 1. अगर बेटा मैं यहां पर लिमिट के अंदर वैल्यू पुट करूं तो क्या आंसर आएगा? 0 over 0 फॉर्म है. क्या आएगी आपकी? 0 over 0 फॉर्म. सॉल्यूशन लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 1. बेटा कॉमन होगा x square कॉमन लिया, क्या बच गया? x plus 1. नीचे वही चीज x plus 1 into x minus 1. फैक्टराइजेशन की बेटा जो फैक्टर आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रहा था वो क्या हो गया? कैंसिल हो गया. क्या आ जाएगा यहां से? लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 1 x square x minus 1. वैल्यू लगा दी माइनस वन का स्केयर, माइनस वन माइनस वन, वन ओवर माइनस टू माइनस वन ओवर टू. लो बेटा ये इसका आंसर आ गया. ओके हो गया जी, ये इसका आंसर आ गया. नेक्स्ट पार्ट ये सिक्स पार्ट इसका करने जा रहा हूं. सिक्स पार्ट लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2x स्क्वायर माइनस 32 ओवर x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर. x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर अगर वैल्यू रखूं तो आंसर क्या आएगा? 0 ओवर 0. आंसर क्या आएगा? 0 ओवर 0 की फॉर्म में. लीजिए इसको सॉल्व करने जा रहा हूं. यहां से बेटे क्या आएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2 कॉमन लिया x स्क्वायर माइनस 16, नीचे से x स्क्वायर कॉमन लिया x माइनस 4 इज इक्वल्स टू लिमिट x approaches to 4 to x plus 4 into x minus 4. सिंपली पुत्र एक फैक्टराइजेशन की x minus 4 जो फैक्टर अनडिफाइंड कर रहा था पुत्र कैंसिल कर दिया. क्या आ जाएगा यहां से बेटे? लिमिट x approaches to 4 2 into x plus 4 over x square 2 into 4 plus 4. यहां से आ गया 4 का square 2 into 8 16. यहां से बेटे क्या आएगा? यहां से बेटा आ जाएगा 16 ओवर 16. ये कैंसर, आंसर 1. लिमिट आई इसका आंसर. ओके भैया जी, अब नेक्स्ट पार्ट बेटा करने जा रहा हूं. सेवंथ पार्ट इसका 2 का सेवंथ पार्ट. इसको देख ले इजीली. सिक्स पार्ट सेवंथ पार्ट दी लिमिट x approaches to 2 square root x minus square root 2 over x minus 2. अगर हम value put करें तो answer क्या आएगा? 0 over 0 form. इसको solution लेने जा रहा हूं इसका. यहां से क्या आएगा? limit x approaches to 2 square root x minus square root 2 x minus 2. ओके हो गया बेटा. रैशनलाइजेशन, जहां पर दो square root प्लस या माइनस हो रहे हो आप वहां पे रैशनलाइजेशन यूज करोगे.
रैशनलाइजेशन का मतलब है कि ऊपर वाले का साइन चेंज करके नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये नीचे ना हो स्केयर रूट तो फिर कर दे। बेटा नीचे हो ऊपर हो आप दोनों सूरतों में रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। बेटा यहां से क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बन जाएगा, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर ओवर एक्स माइनस टू इंटू स्केयर रूट एक्स प्लस स्केयर रूट टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू एक्स माइनस टू ओवर एक्स माइनस टू इंटू स्केयर रूट एक्स प्लस स्केयर रूट टू। बेटा जो लिमिट फैक्टर आपको अनडिफाइन कर रहा था वो कट गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू वन ओवर स्केयर रूट एक्स प्लस स्केयर रूट टू। अब यहां से क्या आएगा, आप बेटा लिमिट पुट करूंगा, यहां से क्या आएगा इज इक्वल्स टू वन ओवर स्केयर रूट टू प्लस स्केयर रूट टू वन ओवर टू स्केयर रूट टू। लो बेटा ये इसका आंसर आ गया। ओके ओके जी बेटा क्वेश्चन नंबर टू का एट्थ पार्ट लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो स्केयर रूट एक्स प्लस एच माइनस स्केयर रूट एक्स ओवर एच माइनस स्केयर रूट एच ओवर एच। बेटा इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, लिमिट पुट की सिंपली लिमिट पुट की जीरो ओवर जीरो फॉर्म आंसर सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। बेटा वही चीज, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो स्केयर रूट एक्स प्लस एच माइनस स्केयर रूट एक्स ओवर एच। बेटा रैशनलाइजेशन स्केयर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्केयर रूट एक्स ओवर स्केयर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्केयर रूट एक्स, साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया। बेटा यहां से क्या आएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो स्केयर रूट एक्स प्लस एच का स्केयर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर ओवर एच इंटू स्केयर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्केयर रूट एक्स। यहां से आ गया लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ये बेटा इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल एक्स प्लस एच माइनस एक्स ओवर एच इंटू स्केयर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्केयर रूट एक्स। ओके हो गया ये इससे कैंसिल, यहां से बेटे क्या आएगा इज इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एच ओवर एच इंटू स्केयर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्केयर रूट एक्स। बेटा एच एच से कैंसिल, ओके हो गया। अब यहां से क्या आएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो वन ओवर स्केयर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्केयर रूट एक्स वन ओवर एक्स प्लस जीरो प्लस स्केयर रूट एक्स वन ओवर स्केयर रूट एक्स प्लस स्केयर रूट एक्स वन ओवर टू स्केयर रूट एक्स। लो बेटा ये इसका आंसर। ओके हो गया जी, इसका नाइन्थ पार्ट करने जा रहा हूं जी।
रेशनलाइजेशन के जरिए इसको सॉल्व किया. नाइन्थ पार्ट, जी नाइन्थ पार्ट. लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x की पावर m माइनस a की पावर n. अगर बेटा लिमिट पुट करूं तो आंसर क्या आएगा? जीरो बाय जीरो. क्यों गया? नहीं जी, इसको सॉल्व करूंगा. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन, एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एन. बेटा यहां पर एक रिजल्ट यूज करने जा रहा हूं, देखिएगा. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a. ये रिजल्ट है, ये थ्योरम हमने प्रूव करना है. अभी मैं इसको क्वेश्चन के बाद प्रूव करवाता हूं आपको. ये कहता है कि n a n माइनस वन. फॉर एग्जाम्पल यहां पे आ जाता है एक और लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर m माइनस a की पावर m ओवर x माइनस a. तो क्या आएगा? m a m माइनस वन. ठन हो गया. इसको करने जा रहे हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर m, x की पावर m माइनस a की पावर m. बेटा अपनी तरफ से नोमिनेटर ऊपर वाले को भी x माइनस a से डिवाइड कर दिया और नीचे वाले को भी x माइनस a से डिवाइड. ओके हो गया. नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अपनी तरफ से मल्टीप्लाई. अगर हम वापस जाना चाहे तो हम इसको काट के भी वापस जा सकते, लेकिन अपनी सहूलत के लिए हमने ये किया. क्या आ जाएगा यहां से बेटा? यहां से आ जाएगा इज इक्वल्स टू. अब लिमिट अलग अलग देनी. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन, एक्स माइनस ए. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम ओवर एक्स माइनस ए. ऊपर वाला रिजल्ट किसके इक्वल बना? ऊपर वाला रिजल्ट भाई मेरे बना है एन ए एन माइनस वन. और नीचे वाला रिजल्ट किसके इक्वल बना? नीचे वाला बना है एम ए एम माइनस वन. डन हो गया. अब इनको कंबाइन करके एन ओवर एम डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है एन ओवर एम. बेस इक्वल पावर्स को मैंने क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया. n ओवर m, a n माइनस वन माइनस m प्लस वन, ये इससे कैंसिल. n ओवर m a की पावर n माइनस m. लो बेटा ये इसका आंसर है. यहां से इसके थ्योरम्स भी बनते हैं बेटा, कुछ रिजल्ट्स भी बनते हैं. हम MCQs भी बन सकते हैं, ये MCQs में पूछ सकता है कोई भी चीज. आप इसके लिहाज से आप इसको डिस्कस कर सकते हैं. ओके हो गया. ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू जो है कंप्लीट हो गया बेटा. बेटा थ्योरम है, अभी हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर टू का लास्ट पार्ट किया था, उसमें थ्योरम हमने यूज किया था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू एन ए एन माइनस वन. इसके ऊपर कंडीशन क्या है? वेयर एन इज एनी इंटीजर, वेयर
n is any integer, कोई भी integer है, and a greater than 0, greater than 0 का मतलब ये negative नहीं हो सकता, बेटा इसको मैं proof करने जा रहा हूँ, proof case 1, n is positive integer, n जो है वो क्या है, positive integer, अगर n positive integer है, limit x approaches to a, x की power n minus a की power n over x minus a, अगर बेटा मैं लिमिट पुट करता हूं तो आंसर क्या आएगा, 0 ओवर 0, ओके हो गया, एक रिजल्ट है बेटा यहां पे यूज करूंगा, x की पावर n माइनस a की पावर n इज इक्वल्स टू x माइनस a, ठीक है, ये रिजल्ट जो है x की पावर यहां से आ जाएगा इनटू x की पावर n माइनस 1 a x की पावर n माइनस 2 प्लस एन सोन प्लस ए एन माइनस वन, ये एक रिजल्ट है बेटा, इसको याद कर लें, हम तक डिवाइड करें तो ये बनता है, इसको बेटा इधर पुट किया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स माइनस ए इनटू एक्स की पावर एन माइनस वन ए एक्स की पावर एन माइनस टू ए स्क्वायर x की पावर n माइनस 3 प्लस एंड सोन 3 नुक्ते प्लस एंड सोन a n माइनस 1 ओवर x माइनस a, ओके हो गया बेटा, जो फैक्टर इसको अनडिफाइंड कर रहा था उसको हमने क्या कर दिया, कैंसिल, अब क्या बचा हमारे पास, यहां से आ जाएगा इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस 1 a x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर x की पावर n माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन, क्या आ जाएगा a n की पावर n माइनस 1, बेटा लिमिट पुट कर दी a n माइनस 1 a इनटू a की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर इनटू a की पावर n माइनस 3 प्लस एंड सोन प्लस ए की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस वन बेस इक्वल्स पावर्स को मैंने ऐड कर दिया, एन माइनस टू प्लस वन बेस इक्वल पावर्स को मैंने ऐड कर दिया प्लस टू प्लस एंड सोन प्लस ए एन माइनस वन, यहां से क्या आ गया ए एन माइनस वन ए एन माइनस वन ए एन माइनस वन प्लस एंड सोन प्लस ए एन माइनस वन, उत्तर क्या आ जाएगा, कितने ए एन माइनस वन है बेटा, कॉमन ले लें, आप कॉमन भी ले सकते हैं, वन प्लस वन प्लस वन प्लस एंड सोन प्लस वन, बेटा हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में सिक्स चैप्टर पढ़ा है, सिक्स चैप्टर में हमने सारे सम को किसका नाम दिया था, एन का, एन ए एन माइनस वन, ये रिजल्ट हमने प्रूफ कर लिया, कब प्रूफ किया, जब बेटा n क्या था, पॉजिटिव इंटीजर, जब क्या था n, पॉजिटिव इंटीजर, अब इसी के लिहाज से हम केस नंबर 2 करेंगे व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर, ओके हो गया जी, ठीक है इसको देख लें इजीली, ले जी इसी को मैं करने जा रहा थ्योरम को, केस नंबर 2 डिस्कस करूंगा, केस नंबर 2, केस नंबर 2, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a, लेट n इज अ नेगेटिव negative
इंटीजर, सो एन इज इक्वल्स टू माइनस एन, देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स की पावर माइनस एन, ए की पावर माइनस एन, एक्स माइनस ए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, वन ओवर एक्स की पावर एम, वन ओवर ए की पावर एम, एक्स माइनस ए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एलसीएम ए की पावर एम माइनस एक्स की पावर एम, एक्स की पावर एम, ए की पावर एम ओवर एक्स माइनस ए। ठीक है बेटा, किया क्या, कुछ भी नहीं, सिंपली एन की जगह माइनस एम प्लेस कर, माइनस किया, ऊपर नेगेटिव था नीचे ले आया, फिर बेटा एलसीएम लिया। अब ये यहां से अब क्या आएगा, यहां से देखिएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ए की पावर एम माइनस एक्स की पावर एम ओवर एक्स एम ए एम एक्स माइनस ए, डन हो गया जी। अब यहां से क्या करेंगे, नेगेटिव कॉमन होगा ऊपर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, नेगेटिव कॉमन लिया, क्या आ गया एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम ओवर एक्स की पावर एम ए की पावर एम एक्स माइनस ए, डन हो गया। यहां से क्वेश्चन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस वन इंटू एक्स की पावर एम ए की पावर एम इंटू एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम एक्स माइनस ए। ओके ओके, अब बेटा लिमिट अलग अलग कर दी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस वन एक्स की पावर एम ए की पावर एम, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम एक्स माइनस ए। ओके हो गया, उत्तर यहां पे लिमिट पुट की माइनस वन ए की पावर एम ए की पावर एम। अब एम नेगेटिव था लेकिन जब सिंप्लीफाई किया तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव इंटीजर को पिछले केस में हमने डिस्कस किया था, ये रिजल्ट किसके इक्वल आ गया, एम ए एम माइनस वन। अब यहां से क्या आएगा, माइनस वन ए एम प्लस एम एम ए एम माइनस वन, डन हो गया जी। यहां से बेटा क्या आएगा, यहां से आ जाएगा इस इक्वल्स टू माइनस वन ए की पावर टू एम एम ए एम माइनस वन माइनस एम ए एम माइनस वन ए की पावर टू एम, बेस इक्वल्स पावर माइनस होगी, माइनस एम ए एम माइनस वन माइनस टू एम। यहां से क्या आ गया, माइनस एम ए माइनस एम माइनस वन, फ्रॉम नंबर वन, फ्रॉम नंबर वन से बेटा, नंबर वन से हमने क्या किया, एन किसके इक्वल था, माइनस एम के, बेटा रिप्लेस कर दिया, जब रिप्लेस किया तो क्या आ गया, एन ए एन माइनस वन। ओके हो गया, देख ले बेटा हमने नेगेटिव इंटीजर लिया था तब भी हमारे पास ये रिजल्ट प्रूफ हो गया, हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया तब भी हमारे पास ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। बेटा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, पेपर में आ सकता है, थ्योरम में आ सकता है बेटा, ठीक है, आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन में कर सकते हैं बेटा, शॉर्ट में इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यूज में इसके क्वेश्चन पूछ सकता है, डिफरेंट डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछ ले एमसीक्यूज में, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर 20 माइनस ए की पावर 20 ओवर एक्स माइनस ए, तो उत्तर क्या लिखोगे, उसी तरह क्या रहेगा, 20 ए की पावर 20 माइनस वन, इसका मतलब 20 ए की पावर 90, बात समझ आ गई, किसी तरह भी बेटा आप लोग इसको कर सकते हैं।
क्योंकि बेटा ये आपका थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर टू हमने सारा कर लिया, इसको आप कर लीजिएगा बेटा, ठीक है, दो में याद रखिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह हाफिज़।